कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज प्रेस वार्ता इसलिए करना पड़ी, सबसे पहले तो नागर सिंह का प्रमाण पत्र मुझे चाहिए नहीं, और कल नागर सिंह ने जो बयान दिया है कि कलाती भुरिया झाबुआ की है या अलराजपुर में हम हैं, और इस तरह से भाषा का उपयोग करा है, उससे मैं जानना चाहती क्या बाबा साहब ने संविधान बनाया वो गलत बना क्या? बाबा साहब ने संविधान क्यों बनाया, कि प्रजातंत्र क्यों बनाई बाबा साहब ने, और देश में इस तरह से संविधान बनाया गया तभी तो व्यक्ति चुनाव लड़ा जा रहा। क्या मैं नागर सिंह से जानना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री चुनाव कहाँ से लड़े? मैं नागर सिंह से फिर जानना चाहती अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ से चुनाव लड़े थे? क्या वो संविधान के विरोध में है क्या? हमारे राहुल गांधी भी जाके दूसरी जगह चुनाव लड़े, वो संविधान के विरोध में है क्या? तो जो व्यक्ति मुझे लगता है जो संविधान को जानता नहीं है वो इस तरह से बात करता है। अगर संविधान में क्या लिखा वो अगर पढ़ लेता तो मेरे खिलाफ़ कल बयान इस तरह से नहीं देता। उसकी भाषा से क्या लगता है आप संविधान के विरोध में बोल रहा हूँ? कलाती भुरिया झाबुआ की अलराजपुर में नहीं चलेगा। तो नागर सिंह चौहान को पहले तो संविधान को समझ लेना चाहिए देश का, उसके बाद बात करना चाहिए। एक तरफ अलराजपुर झाबुआ रतलाम के संसद के चुनाव के लिए बात करता है वो आदमी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, ख्वाब देख रहा, सपना देख रहा। क्या संविधान का विरोध में है कि अलराजपुर से जाके चुनाव बाहर लड़ेगा क्या वो? और लोग क्षेत्र की जनता ऐसे व्यक्ति को वोट देगी क्या? तो मैं चाहती हूँ कि नागर सिंह चौहान मेरे से क्या चाहता, मुझे जोबट विधानसभा की जनता ने प्रमाण पत्र दिया है, ना कि नागर सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र दिया। और तेर को हराया तेरा दादा मुकेश पटेल ने हराया, मैंने तो माधु सिंह डावर को हराया। तो जोबट विधानसभा से तेरा क्या लेना देना? तो इतना तो आग मूत्र हमारे यहाँ। एक सवाल बोल रहा कि कलाती भुरिया को मैं महिला तो भी निपटाऊंगा, रोड पे निपटाऊंगा और मंच पे निपटाऊंगा, और मेरा बाप 20 साल जेल भी गया था और मैं भी जाने चाहता हूँ। तो तेरे तो खून में तेरे चरित्र ही है, तेरा परिवार का चरित्र ही है, किसको मारना किसको पीटना तेरा परिवार का चरित्र ही वही है। तुम सीखे ही वही है ना, तुम खानदानी होते ये भाषा नहीं बोलते। एक जनता का चुना हुआ व्यक्ति को चैलेंज दे रहा तू, ये मेरी जोबट की जनता का अपमान है, मेरा अपमान ही है। उन्होंने चुना मुझे, उन्होंने लाके मुझे चुनाव लड़ाया जोबट की जनता ने। तो नागर सिंह बार बार जोबट विधानसभा के लिए क्यों लगा हो? उसका पूरा परिवार लगा, कभी जाति के नाम से कभी धर्म के नाम से। मैं नागर सिंह चौहान से पूछना चाहती हूँ कि 15 साल सरकार तेरी थी और तेरा विधायक था, तूने कितनी जगह रोका, किस किस धर्म वालों को रोका और किस कितनी जगह FIR कटवाई तूने? क्या अलराजपुर में नहीं चल रहा मामला ये? कभी मेरे को कहता ईसाइयों का दलाल, कभी कहता किसका दलाल? तो इस देश के संविधान में सभी समाज को रहने का अधिकार है। जो हिंदुस्तान की करोड़ों जनता है उसे रहने के लिए बाबा साहब ने कानून बनाया है, नहीं कि नागर सिंह और नागर सिंह के बाप ने कानून बनाया कि वो बाहर कर सकता है। बार बार राजनीति रोटियां सेकने के लिए जोबट विधानसभा में लगातार परेशान किया जा रहा, धमकी भरी जा रही और मारपीट किया जा रहा, इससे लगता है कि नागर सिंह चौहान अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा। हारा है मुकेश पटेल ने, लेकिन क्या कर रहा जोबट विधानसभा पे लगा हुआ?
एक बात और कहना चाहती कि वो कुएं की मच्छी कुएं में देखती, वो बाहर तालाब नहीं देखा और ना समुद्र देखा। तो नागर सिंह चौहान कुएं में रहा है, ना तालाब देखा ना समुद्र देखा, ना संविधान जानता है वो। अगर संविधान जानता है तो वो आदमी इस तरह से भाषा, इस तरह से भड़काव, इस तरह से शांति भंग नहीं कर सकता है। लेकिन नागर सिंह अपने आप भूल के और इस तरह से शब्दों का उपयोग कर रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान, क्या ये महिला का सम्मान कर रहा? जब मुझे निपटाना होता तो निपटाने, मीडिया के सामने बोल बोल के निपटा रहा, क्या क्या ज़्यादा खुला निपटा? मैं तो अलरापुर जा रही, मैं क्षेत्र में जा रही, तुझे निपटाना हो तो मैं जनता के लिए निपटने तैयार हूँ, मैं डरूंगी नहीं। जब 10 साल पहले मैंने ये जिला चलाया, अलीराजपुर जिला चलाया, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, मैंने किसी से भेदभाव नहीं करा, सारे समाज का काम किया मैंने, सारे गांव गांव मैंने काम किया, किसी व्यक्ति का मैंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी। तेरी औरत और तू बना तब से तूने क्या किया? जिले में अध्यक्ष बने कभी एक काम किया बता दे क्षेत्र में? तो इस तरह से मनगढ़ंत बात करके लोगों को गुमराह करना है, भड़काऊ भाषण देना है, लोगों को इस तरह से प्रेरित कर रहा है वो कि आपस में भाईचारा भूलकर इस तरह से झगड़े डलवाने का काम कर रहा है। और मैं नागर सिंह से और भारतीय जनता से और पार्टी से और पूछना चाहती कि जो आदमी इस तरह से बयानबाजी कर रहा हो उसको प्रदेश का प्रवक्ता कैसे बनाया गया? जो संविधान नहीं जानता उसको प्रदेश का प्रवक्ता बनाया बीजेपी ने, तभी तो मेरे को कह रहा कि ये अलीराजपुर है, झाबुआ नहीं है। अरे हम हिंदुस्तान के लोग हैं, जब तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री और कहीं चुनाव लड़ सकता तो कलाती क्यों नहीं लड़ सकती? वो भी जनता की भावना अनुरूप लड़ी है। तो अगला जो भी कुछ होता है नागर सिंह का परिवार और नागर सिंह, मेरे ऊपर कोई भी हमला होता है, ये मेरे क्षेत्र में कुछ होता है, इसके लिए पूरी तरह से नागर सिंह और उसका परिवार जवाबदार रहेगा। और अगला मैं आईजी डीआईजी तक ये वीडियो लेके मैं जा रही हूँ, खुला बयान है, आप सब सुन रहे हैं कैसे निपटाना, कैसे हम जेल जाते हैं, तो इसका मतलब मेरा मर्डर कभी भी करवा सकता है, उसका विचार ये है। लेकिन मैं मरने से नहीं डरूंगी, जिस दिन जाना है तो मैं जाऊँगी। और नागर सिंह कभी अमर बूटी खा के आए लाए और ऊपर से लिखवा के आया है नहीं जाएगा तो फिर तू रहना, यहाँ कलाती निपट जाएगी पर तू रहना, पर ये जनता तुझे माफ़ करने वाली नहीं है इस तरह से बयानबाजी करने वाले को। और देश के प्रधानमंत्री से तू कह दे संविधान बदल दे कि एक जात के लोग रहेंगे या दूसरे जात के नहीं रहेंगे, वो कानून पास करवा दे तो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये कहाँ कहाँ बसा रहा, तू अगर बंटवारा कर दे, तेरे में ताकत हो तो देश का संविधान बदल के तू बंटवारा कर दे। अभी तक तो सारे समाज ने आज़ादी लड़ी है, तेरे तो बाप को भी नहीं मालूम है कि आज़ादी कैसी लड़ी, तुझे तो पता ही नहीं है। हर समाज और हर जातियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वहाँ जाके देख ले लाल किले पे किस किस का नाम टंगेला। ज़रा दिल्ली जाता तो पढ़ाव कह रही हूँ मैं, अगर पढ़ लेता तो बयान नहीं देता ऐसा। तो हर समाज को जीने का अधिकार है, हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं उनको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ना नागरिया का पट्टा है, ना जोबट से हटा सकता, ना अलीराजपुर से हटा सकता, ना हिंदुस्तान से मिटा सकता। तेरे में ताकत हो तो तू करके बता दे, संविधान को मिटा दे तो बाबा साहब का नाम नहीं बाबा साहब की जगह तेरा हो जाएगा, ताकि हमको पता चले कि नागर सिंह इतना ताकत हुआ। क्योंकि देश दुनिया और जिले के लोग तो तेरे परिवार को जानते हैं। और मैं कोई दारू का धंधा करने नहीं आई हूँ यहाँ, मैं को रेती बेचने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ जनता की सेवा करने आई हूँ। ना मैं पैसा मांगती हूँ, ना दारू बेचती हूँ, ना ताड़ी बेचती हूँ, ना रेती बेचती हूँ, ना मेरा कार्यकर्ता बेचता है। अगर जोबट का कार्यकर्ता किसी ने एक भी बाटल मांगी या एक ट्रैक्टर रेती बेची या एक पेटी दारू बेचा तो नागर सिंह चौहान मेरे से सामने आके बात करे, तेरा परिवार अवैध काम में डूबा हुआ, गलत दारू बना के पिला रहे लोगों को मार रहे, नकली शराब बन रही,
और तेरा परिवार दारू बेचने में लगेला, रेती बेचने में लगेला, जुए सट्टे में लगेला, अवैध धंधे, अधिकारियों के साथ में मारपीट। अभी इंदर सिंह ने मारपीट करी, जिला पंचायत में घुस के कर्मचारियों को पाइप मांग रहा था, पाइप मोदी जी ने बंद कर दिया, सरकार ने बंद कर दिए, तो पाइप कहाँ से देंगे? कर्मचारियों को 5 लाख, नागर सिंह ने 500 बोरी मांगी, जगह जगह मकान। अरे तेरी झोपड़ी क्या थी ना, मकान कहाँ से आया तू? डोबला जिरी में 20 कमरे का मकान, अलीराजपुर में पूरी नदियाँ तक तुम्हारा घेरा डाल रखा, बोरझाड़ आंबुआ तक जमीन ले ली तूने, चांदपुर तक जमीन तेरी, इंदौर में पूरी जमीन, जोबड़ रामपुरा मकान, तू बताओ कहाँ से पैसा आया है ये तेरे पास इतना? क्या डोबला जिरी में इतनी उड़ती पकती क्या? क्या इतना गेहूँ पकड़ा? मुझे बता दे ये किसका पैसा है? जनता का लूट लूट के, डाका डाल डाल के 15 साल से डाका डाला और जनता को गुमराह करके राज किया, लेकिन वो ही जनता ने तेरे को नकार दिया। 22-22 हज़ार से तेरे को अनुराधपुर की जनता ने नकारा, जोबट की जनता तो माधु सिंह को नकारा, तो तू लाल लाल कूदने की क्या जरूरत थी? तो मेरा यही आरोप है कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मामला आता है तो नागर सिंह खुला चैलेंज दे रहा है। ये वीडियो मैं विधानसभा में लेके जा रही हूँ और उसी के मुख्यमंत्री को मैं सौंपूंगी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और मेरे पार्टी के नेताओं को, सबको ये वीडियो मैं लेके जा रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या कर सकता है और मेरे क्षेत्र में क्या करने जा रहा है। कोई दंगे फंसे होते हैं या किसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होती है, ये मेरी जान के ऊपर कोई हमला होता है तो नागर सिंह चौहान और उसका भाई और उसका परिवार जवाबदार रहेगा।